नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेटन साइकिल। ब्रेटन साइकिल बेसिकली क्या है हमारे पास? द आइडियल साइकिल फॉर गैस टरबाइन इंजन्स। बेसिकली ये गैस टरबाइन्स के लिए ये 9th चैप्टर है सेंजल की बुक का। ये हमारे पास ब्रेटन साइकिल है। अगर आपने जेट इंजन देखा हो तो एग्जैक्टली ये जेट इंजन ही है। जेट इंजन में क्या होता है हमारे पास, शुरू में बेसिक सबसे पहली बात तो ये एयर साइकिल है, मतलब इसमें हवा होगी, गैस है ना, गैस का मतलब क्या, एयर होगी, कोई भी गैस होगी कोई भी जिसमें एयर हो सकती है। सबसे पहले क्या होगी हमारे पास, वो गैस आएगी, जैसे इसने कहा फ्रेश एयर। यहाँ पे हमारे पास होता था पंप। अब पंप की जगह क्या चीज़ है, कंप्रेसर। पंप की जगह हमारे पास लगा हुआ है जहाँ पे कंप्रेसर, वो क्या करेगा, एयर का प्रेशर इंक्रीज करेगा। उस केस में पंप प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, अब एयर है तो कंप्रेसर प्रेशर इंक्रीज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, बॉयलर। अब इस पॉइंट पे क्या हमारे पास, कंबस्टन चैम्बर है, जिसमें वो एयर प्लस फ्यूल आएगा, अब बर्निंग होगी। और जैसे आपको पता है नॉर्मल आइस इंजन में आपने पढ़ा होगा, बर्निंग होती है तो एक्सपेंशन होती है, हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इसमें फिर क्या हमारे पास बर्निंग होगी। एंड देन वो एयर को हम यूज़ करेंगे टरबाइन के ऊपर, टरबाइन हमारी रोटेट करेगी, टरबाइन की रोटेशन होगी और उससे हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू आउट, एंड देन ये एग्जास्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो साइकिल हैं। देखें ये ओपन साइकिल है, ओपन साइकिल का क्या मतलब है कि ये एग्जास्ट हो जाएगी, अब ये रीयूज़ नहीं होगी, यहाँ से हम क्या लेंगे, फ्रेश एयर लेंगे। और ये वाली साइड पे जो बना हुआ है ये क्लोज साइकिल है, ये एग्जैक्टली स्टीम पावर प्लांट की तरह है कि हमारे पास कंप्रेसर में एयर आती है, देन वो हीट एक्सचेंजर हीट में जाती है, देन टर्बाइन होता है, एंड देन उसी एयर को हम वापस हीट एक्सचेंज करके कूल डाउन कर लेंगे, एंड देन उसको वापस कंप्रेसर में ले जाएंगे। तो ये बेसिकली ओपन साइकिल था एंड ये क्लोज साइकिल है। क्लोज साइकिल की बात हम बाद में करते हैं डिटेल में, पहले हम ओपन साइकिल को ही समझ लेते हैं। मेरे ख्याल आपको कंपोनेंट समझ आ गए हैं, तीन कंपोनेंट हैं इसमें, कंप्रेसर, कंबस्टन चैम्बर एंड टर्बाइन। अब हमारे पास ये टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम क्योंकि हमने एक साइकिल बनाना था, हम इसको क्लोज ही शो करते हैं, ओपन साइकिल की भी क्लोज ही शो करते हैं और क्लोज साइकिल की भी क्लोज ही शो करते हैं। वन से टू हमारे पास क्या हो रहा है, कंप्रेसर है। टू से थ्री क्या है हमारे पास, कंबस्टन चैम्बर है। कंबस्टन चैम्बर में उसने लिखा है क्यू इन हो रहा है, ठीक है, हीट इन हो रही होगी। थ्री से फोर क्या है, टर्बाइन है, क्यू आउट हो रहा, सॉरी डब्ल्यू आउट हो रहा होगा। एंड फोर से वन हमारे पास, अगर तो क्लोज साइकिल है तो क्यू आउट हो रहा होगा, अगर ओपन साइकिल है तो ये फोर से वन लाइन नहीं होगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जिट हो जाएगा। पर हमने फार्मूलाज बनाने, फार्मूलाज के लिए इस वजह से हमें ये जो साइकिल है क्लोज करना पड़ता है। अब अगेन जिस तरह बॉयलर में प्रेशर कांस्टेंट होता था, इस तरह कंबस्टन चैम्बर में प्रेशर कांस्टेंट है। क्या मतलब है, पी टू इज इक्वल टू पी थ्री एंड पी वन इज इक्वल टू पी फोर। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी लाइन, ये लाइन जो जा रही है ऐसे करके जहाँ तक मर्जी जा रही होगी, जितने भी इस लाइन पे पॉइंट आएंगे सबका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह ये वाली लाइन है, जितने भी इसके ऊपर लेस पर, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, कोई और आता है, सिक्स आता है या सिक्स डैश आता है, तो उसका प्रेशर भी सेम होगा जो पी टू का और पी थ्री का, ठीक है। तो ये हमारे पास टी एस डायग्राम है। अब इसमें प्रोसेस लिखे हुए हैं, वन से टू क्या हो रहा है हमारे पास, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है, वन से टू पंप है। टू से थ्री क्या हो रहा है हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रही है। थ्री से फोर हमारे पास क्या हो रहा है, वो यहाँ पे मेंशन है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही है, टर्बाइन है। एंड देन फोर से वन हमारे पास क्या हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रही है। तो ये थी हमारे पास टी एस डायग्राम। पीवी डायग्राम है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ टी एस डायग्राम और लेआउट बनाते होते हैं, जैसा कि आपको पता है ये लिखा था वन से टू एंड टू से थ्री।
और इस साइकिल को क्या कहते हैं हम, ब्रिटन साइकिल। और मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज्ड साइकिल एंड ओपन साइकिल, तो दो साइकिल होते हैं, ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल, तो वो दोनों भी मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं, क्लोज साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोज साइकिल में कैसे हो रहा है, भी आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ से एयर थी, एयर आई यहाँ पे, जब एयर की बर्निंग होगी अब वो टरबाइन में चलेगी, तो अब हीट एक्सचेंज करके अब अगेन उसकी बर्निंग नहीं हो सकती क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, वो तो फ्यूल जब आपका मिक्स हुआ यहाँ पे और उसकी बर्निंग होगी तो वो तो बर्नड एयर है, उसमें तो कार्बन मोनोक्साइड नॉक्सिस सब कुछ होगा पर ऑक्सीजन नहीं होगी, वो तो सब बर्न हो चुकी है। तो फिर इस केस में यहाँ पे देखें क्या मेंशन है, हीट एक्सचेंजर, और यहाँ पे क्या मेंशन है, कम्बस्टन चैम्बर, और यहाँ पे उसने शो किया है फ्यूल आ रहा है और इसमें कोई फ्यूल शो नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा इस केस में, इस केस में बर्निंग आउटसाइड पे हो रही है, लाइक जैसे आपके पास बॉयलर होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये बेसिकली क्या उसने हीट एक्सचेंजर बात किया है, हीट एक्सचेंजर है। लेट्स सपोज आपकी बर्निंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे आप हीट अप कर रहे हैं, इसको हीट अप कर रहे हैं और यहाँ से एयर आ रही है, एयर, और एयर हीट एक्सचेंजर है, पाइप्स के अंदर से होती हुई पाइप्स होंगे एंड ये आगे चली जाएगी, मतलब जो एयर यहाँ से एंटर होगी उसकी बर्निंग नहीं होगी, हीट एक्सचेंजर में से वो ऐसे पास करेगी एंड देन आगे चली जाएगी, और क्यू आउट, जो क्यू इन है वो हम कहीं कोई बाहर सोर्स, एक्स्ट्रा सोर्स होगा, एक्सटर्नल सोर्स, उससे देंगे हम इसको। तो मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई कि क्यों इन का क्या मतलब है और हीट एक्सचेंजर का क्या मतलब है। अब जब उस एयर की बर्निंग नहीं हुई तो हम उसको अगेन हीट एक्सचेंज करवा के दोबारा कंप्रेसर में भेज के दोबारा हीट एक्सचेंजर में भेज सकते हैं। अब अगेन आपके माइंड में थोड़े से क्वेश्चन होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम उस साइकिल में करते हैं, लाइक ये जो हमारे पास ये साइकिल था, ये वाला, इसके हमने हमने क्या यूज़ किया था, एयर, एयर, अगर हम, और इसका नाम क्या, गैस साइकिल। अब गैस सिर्फ एयर तो नहीं होती, कोई और गैस भी हो सकती है, कोई नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लेट्स सपोज हाइड्रोजन, मैं चाह रहा हूँ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को कंप्रेस करके उसकी बर्निंग करके टरबाइन में ऐसे लेके जाऊँ, तो इस, जब अगर अपने कोई गैस यूज़ करनी है तो फिर हम क्लोज साइकिल यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो यहाँ से एयर जा, जो इसके अंदर गैस है वो एयर नहीं है, कोई और गैस, हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज हाइड्रोजन हीट अप होगी, उसमें एनर्जी आ जाएगी, एच उसका इंक्रीज हो जाएगा एंड देन हम उसको एक्सपेंड करेंगे, देन अगेन हाइड्रोजन को हम कूल करेंगे, कंप्रेसर में लेके जाएंगे एंड देन। तो ये साइकिल उस केस में ज़्यादा यूज़ होता है जब आप एयर के अलावा कोई गैस यूज़ करना चाह रहे हैं, या कोई हो सकता है ऐसी गैस हो जो बर्न नहीं हो सकती, लाइक आपके पास रेफ्रिजरेशन जैसे होती है, रेफ्रिजरेशन में आप रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं ना, और उससे क्या करते हैं, उससे हीट एक्सचेंज कराते हैं, चीज़ों को कूल डाउन करते हैं, तो आप कुछ इस तरह का साइकिल चाह रहे हैं, तो फिर आपके पास ये वाला साइकिल जो है वो यूज़ होता है। नॉर्मली हमारे पास एक्सटर्नल साइकिल ही होता है, ये वाला होता है, हम एयर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके एग्जॉस्ट करवा देते हैं, ये बहुत रेयर यूज़ करते हैं हम, और मेरे ख्याल इसमें आगे न्यूमेरिकल भी नहीं है क्लोज साइकिल का कोई, कि वो गैस आ रही हो, पर अगर होगी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास था गैस टरबाइन कंप्लीट, मैंने आप इसका आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं देता रहता हूँ जिस लैंग्वेज में मुझे लगता है कि आपको इजी लगता है, मैं हर वर्ड बोल के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए, किसी ना किसी तरह समझ आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज पीवी डायग्राम से बनते हैं, तो सबसे पहले हम क्यू इन की बात कर लेते हैं, ये फार्मूला क्यू इन क्या है, हम उस केस में क्या होता था फार्मूला, H3 - H2, ये था बॉयलर के केस में। अब हमारे केस में क्या है, हम, अच्छा ये दोनों फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ये वाले फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ये वाले मैथ। तो जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा, मैं एक न्यूमेरिकल जो है वो दोनों मेथड से आपको करके बता दूंगा, तो फिर उसके बाद आपको जो सा मेथड लगे। अच्छा वो फार्मूला क्या था, H3 - H2, आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये H क्या होता है आपको पता है, H होता है CP∆T, CP∆T, तो ये हमारे पास CP∆T बन गया, तो हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। एंड देन क्यू आउट यहाँ से H4 - H1, H4 - H1 ये है इज इक्वल टू सी पी
टी अभी सी पी के फॉर्म में, वही मैं बता रहा हूँ, एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो जाहिर सी बात है कंप्लीट फार्मूलाज भी आपको डिस्कस हो जाएंगे। देन एफिशिएंसी है वही डब्ल्यू नेट ओवर क्यू इन। डब्ल्यू नेट क्या होता है आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वन माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन, फार्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है, आपको पता है ये उसने किस फॉर्म में लिख दिया, सी पी की फॉर्म में। एंड देन उसी को उसने ये क्या किया है, रीअरेंज भी कर लिया। ये भी आप इसको चेक कर लें फार्मूला को। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रेशर रेशियो उसने लिखी हुई है यहाँ पे, ये आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन गैमा माइनस वन ओवर गैमा। वो गैमा आपको पता है गैमा फॉर एयर होता है 1.4, ये आपने थर्मोडाइनमिक्स में लाजमी पढ़ा होगा। एंड देन इसी तरह टी थ्री ओवर टी फोर का फार्मूला भी हमारे पास ये होता है। एंड लास्ट हमारे पास एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का इसने एक शॉर्ट फार्मूला भी बनाया, आप इसे भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी वन माइनस वन ओवर आर पी, आर पी क्या प्रेशर रेशियो, पी टू बाई पी वन, ठीक है, पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू आर पी प्रेशर रेशियो, ये हमारे पास प्रेशर रेशियो है। एंड प्रेशर रेशियो के गैमा, ये गैमा के जो भी आप इसको कह लें, तो ये गैमा माइनस वन ओवर गैमा लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया गैमा फॉर एयर 1.4 होता है, ये आपने बड़ी डिटेल में थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा। तो ये फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज तो जब दोबारा हम न्यूमेरिकल करेंगे तो भी हम इनको देख लेंगे। ये प्रेशर रेशियो लिखी हुई है पी टू बाई पी वन प्रेशर रेशियो, और ये लिखा हुआ है के 1.4, ये बेसिकली वही गैमा है हमारे पास। एंड देन बैक वर्क रेशो, बैक वर्क रेशो बेसिकली क्या है, ये चीज़ एक बीच में मिक्स रह गई है हमसे, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से समझा देता हूँ। बैक वर्क रेशो जिस तरह उस केस में था कि टर्बाइन से ही हम पंप चलाएंगे, तो ये देखें यहाँ पे एक ही शाफ्ट के ऊपर हमारे पास टर्बाइन और कंप्रेसर कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो गैस आएगी एक्सपैंड होके और इसको टर्बाइन को रोटेट करेगी, उसने कंप्रेसर को भी रोटेट करना है। एंड देन इसके आगे टरबाइन के आगे जनरेटर लगा होगा और उससे डब्ल्यू आउट भी देना है हमें। आ रही है समझ कि टरबाइन ये जो गैस आ रही है, उस गैस ने दो काम करने हैं, कंप्रेसर को भी रोटेट करवाना है, साथ में हमें कुछ वर्कआउट इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी देना है। तो वो जो वर्क है जो कंप्रेसर यूज़ कर लेता है, उसको हम बैक वर्क रेशियो कहते हैं। लाइक अगर मैं बात करना चाहूँ बैक वर्क रेशियो 50%, उसका क्या मतलब है कि 50% वर्क जो है वो कंप्रेसर ने ले लिया है, एंड 50% हमें क्या मिल रही है, डब्ल्यू आउट कुछ मिल रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब आपको मेरे ख्याल बैक वर्क रेशियो समझ आ गई है। बैक वर्क रेशियो डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट लिखी होगी, उसको आप पढ़ लें। ये उसने समझाया कि डब्ल्यू टर्बाइन है, तो उसमें से कुछ कंप्रेसर को वर्क चला जाता है और कुछ डब्ल्यू नेट इलेक्ट्रिसिटी लाइक हम ले लेते हैं, तो फिर वो बैक वर्क रेशियो है। देन इसकी आगे वो टाइप्स होंगी, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।